तो अगर हम इकोनॉमिकली की बात करते ही हैं तो ऑफ कोर्स गारंटी या वारंटी, वारंटी भी आती है कार की, तो इसका क्या क्राइटेरिया, वारंटी का क्या क्राइटेरिया रहता है कार में? देखो तरंग क्या है, वारंटी भी एक ऐसी चीज है कि इसमें ना बहुत सारी चीजें कवर भी होती हैं और बहुत सारी चीजें छोड़ भी दी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि जब गाड़ी की वारंटी है जो गाड़ी साथ में देती है, हर कंपनी देती है कि भाई आप गाड़ी के साथ वारंटी आपको मिलेगी, उसमें कुछ चीजें ऐसी कवर्ड होती है जो कि सबसे पहला तो होता है कि गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है और उस फॉल्ट की वजह से गाड़ी के चलने पर कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो वो सारी चीजें आपकी वारंटी के अंदर कवर हो जाती है। ठीक है, उसमें आपका इंजन होता है, ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, मोटा मोटा मैकेनिकल होता है, ये सारा उसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वारंटी में जो कवर हो गया। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वारंटी में नहीं कवर होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी दो वैरायटी होती हैं कि एक तो ऐसी चीज है जो कि वारंटी में कवर्ड है लेकिन उसको थर्ड पार्टी वारंटी देती है। ओके, जैसे कि मैं बताता हूँ उसको डिटेल में बताता हूँ। और एक ऐसी चीज होती है जो कि वारंटी में भी कवर्ड नहीं है, उसके लिए आपको इंश्योरेंस ही परचेज करना पड़ता है। ठीक है, तो जो सेकंड मैं पहली चीज बता रहा था जिसके अंदर वारंटी आपको मतलब आपकी प्राइमरी वारंटी में कवर्ड नहीं है, सेकेंडरी वारंटी में कवर्ड होता है, वो क्या है, वो होता है जैसे गाड़ी के टायर हो गए जो कि थर्ड पार्टी मैनेज करती है, गाड़ी के टायर हो गए, गाड़ी की बैटरी हो गई, गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम हो गया, तो ये सब थर्ड पार्टी होता है। इसके अंदर आपको जो वारंटी मिलती है वो गाड़ी की वारंटी यानी कि 2 साल 40,000 किलोमीटर से अलग होती है। ओके, यानी होगी साल भर की होगी या 6 महीने की होगी, डिपेंडिंग ऑन जो भी वो आपको मैन्युफैक्चरर दे रहा है, वो OEM आपको दे रहा है, वो उसकी वारंटी उसकी सेपरेट होती है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी मैं वारंटी की बात करता हूँ जो चीजें कवर्ड नहीं होती है। तो देखो यार, वियर एंड टीयर वाली कोई भी चीज है वो कवर नहीं होती है वारंटी में। जो स्टैंडर्ड वियर एंड टीयर, अब स्टैंडर्ड वियर एंड टीयर में टायर भी आ जाते हैं, जो टायर की नॉर्मल घिसावट है, गाड़ी चलेगी टायर घिसेगा, टायर घिसेगा तो वो कवर नहीं है। हाँ, टायर किसी कारण से बल्ज हो जाता है, फूल जाता है, तो उसको एज अ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट माना जाता है, वो कवर हो जाता है वारंटी में। या अगर आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी आपने गड्ढे में गिरा दी, तो फिर वो केस को स्टडी करते हैं, आप वारंटी में क्लेम कर सकते हो, वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि भाई गाड़ी को जानबूझ के तो या नेग्लिजेंस के कारण या फिर आप अनसेफ ड्राइविंग कर रहे थे उसके कारण तो नहीं गाड़ी गड्ढे में गिरा दी गई जिसकी वजह से ये फॉल्ट आया है। तो ये चीज आपको ये उसके अंदर ये कॉन्सिक्वेंशियल के अंदर आ जाता है। इसी तरीके से गाड़ी का कोई भी पुर्जा है जो कि घिसने के दौरान खराब होता है तो वो कवर नहीं है। जैसे कि गाड़ी के ब्रेक पैड्स हो गए, फिर इसके अलावा पेंट का कोई भी जो है, अनलेस एंड अंटिल अगर आपको मैन्युफैक्चरर लिख के दे रहा है कि भाई इसकी 6 साल की पेंट की वारंटी है फेड हो जाने की, कट जाने की, फट जाने की, तो उस टाइम पे कवर, तो अदरवाइज पेंट का कोई भी जो मटेरियल है वो वारंटी के अंदर कवर्ड नहीं होता है आपका। ओके, ठीक है, ओके। तो ये जो वारंटी रहती है ये कोई टाइम बाउंड होती है या कोई इसमें एक्सटेंडेड भी मतलब क्राइटेरिया है? देखो ये अभी क्या है कि मैन्युफैक्चरर भी इसके अंदर दो तरह की वारंटी दे रहा है। जैसे पहली मोस्टली जो मैन्युफैक्चरर देता है प्राइमरी वारंटी, वो सबके साथ में होती है, जब भी आप नई गाड़ी परचेज करते हो उसके साथ मिलती ही मिलती है। ठीक है, वो प्राइमरी वारंटी जैसे मारुति में आती है 40,000 किलोमीटर या 2 साल जो भी पहले आ जाए। इसके बाद में एक सेकेंडरी वारंटी होती है जो कि आप गाड़ी की एक्स शोरूम की कीमत में 1 से 1.5% या 2% तक अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाती है। okay. जिसको कि एक्सटेंडेड वारंटी कहते हैं, जो कि वही होता है, सेम पुरानी ही वारंटी होती है लेकिन वो डबल हो जाती है, जितनी भी है उसी का एक्सटेंशन होता है। okay. उसमें ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट्स कवर्ड नहीं है, जो पहली प्राइमरी वारंटी में कवर्ड है वही सेकेंडरी वारंटी में कवर्ड होता है। इसमें एक और क्लॉज होता है जो लोग पूछते हैं कि गाड़ी अगर मैं बेच दूं 1 साल के अंदर ही तो क्या जो सेकंड ओनर है उसके नाम पर वारंटी ट्रांसफर होगी? नहीं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वारंटी गाड़ी की है, वारंटी ओनर की नहीं है। अगर सेकंड ओनर हो या थर्ड ओनर हो, वारंटी उसको भी उतनी ही दी जाएगी अनलेस एंड अंटिल वो डॉक्यूमेंट को फुलफिल कर रही है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ग्रेट। तो हमने वारंटी पे बात करी, हमने बिल्डअप क्वालिटी, इंजन क्वालिटी पे बात करी, हमने कंपनी वाइज और कितना हमारा रन है, कितना हमारा पॉकेट फ्रेंडली, कौन सा बजट है, अकॉर्डिंगली बजट पे हमने बात करी। तो बहुत ही अच्छी नॉलेज हमने भैया ने हमारे साथ शेयर करी, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, इट्स माय प्लेजर। और भैया के बिहाफ पे इवन आज मैं बोलता हूँ कि होप सो व्यूअर्स को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, पसंद से ज्यादा
उनको एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर क्लियर होगी कि अगर उन्हें बाय करनी है, जैसे मुझे बाय करनी है तो कौन सी करूं। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, मैंने तो फेस टू फेस इट्स माय लक कि मैंने पूछ लिया, तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ के भैया ऑफ कोर्स आपको आंसर देंगे ही देंगे। तो सब कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू तरंग, बिल्कुल सही बोला एकदम। थैंक यू सो मच। तो चलिए ओवर एंड आउट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय।